दोस्तों, अगर आप आधार से पैसा निकालने का काम शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होगी और क्या क्या आपके पास होना चाहिए जिससे आप आधार बैंकिंग को शुरू कर सकते हो। जानने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट चीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले आप ये जो काम है ये सिर्फ आपके पास एक एंड्रॉयड अगर मोबाइल है तो आप ये काम एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हो आसानी से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोबाइल OTG सपोर्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इसके लिए आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। फिंगरप्रिंट डिवाइस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जिससे आप कस्टमर का फिंगर लगा के जो है उसका बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। दोस्तों, आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना ज़रूरी है। बायोमेट्रिक डिवाइस दोस्तों आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। ये आपको किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी भी मतलब जो टेक्निकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्राइस आपको दोस्तों 2000 से लेकर 3000 तक आसानी से देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मंत्रा या फिर मोरफो और बाकी सारी कंपनी के आते हैं जिनको आप बाय कर सकते हो। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, आपके पास कैश होना चाहिए। अगर दोस्तों मान लो आपके पास 50,000 कैश है तो होता क्या दोस्तों, सिस्टम ऐसे चलता है, मान लो आपके पास कोई भी कस्टमर पेमेंट को निकालने के लिए आया, मान लो कोई आया 1000 रुपये निकालने, तो आपको आपके पास जितना भी कैश है वो आप में को देना होगा। 1000 आपको कस्टमर को देना होगा, वही 1000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो है सिस्टम चलता है और उसमें आपका कमीशन भी ऐड हो जाता है, जो भी कंपनी आपको कमीशन देती है। अब दोस्तों फोर्थ बात, यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि आइडिया हमें कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको आइडिया अगर लेना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी है AEPS जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आधार बैंकिंग की, जिससे आप किसी के भी आधार से पेमेंट को निकाल या फिर चेकिंग कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके वो भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।